हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। हरियाणा में लॉकडाउन के दौरान जहां पिछले 6 दिन से बाजारों में आवाजाही थी, वहीं कल से पुलिस प्रशासन और प्रशासन द्वारा लोग आवाजाही के ऊपर रोक लगाई गई है, जिसको लेकर देखा जा रहा है कि फिर भी उसके बावजूद भी लोगों की आवाजाही जारी है। हालांकि प्रशासन द्वारा चालान काटे जा रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग आ जा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि अभी भी जो प्रशासन कर्मचारी है, चाहे नगर पालिका पुलिस प्रशासन ड्यूटी मजिस्ट्रेट की देखरेख में चालान काटे जा रहे हैं, और उसके बावजूद भी लोगों की आवाजाही जा रही है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि बिना परमिशन के कोई भी अपने वाहन को सड़कों पर लेकर ना आए, उसके बावजूद लगे हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार साहब मौजूद हैं, विजय सिंह जी, उनसे बातचीत करते हैं, वो बताएंगे। हाँ, ये बताएं, कल भी आपने चालान काटे, उसके बावजूद भी आज वही आवाजाही है। ऐसे है कि आज भी हम जो है चालान काट रहे हैं लोगों का, और जो है कल लोगों को समझाया था कि अपने घरों के अंदर रहो तो, और जो है अपना मास्क वगैरह पहन के रखो, लेकिन लोग आज भी फिर सड़कों पर निकले हुए हैं, तो इनको अब दोबारा से इनको रोक के और सबके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, चालान इनके काटे जा रहे हैं। क्या यही एक रास्ता इनको रोकने का, चालान काटना? नहीं, इनको समझाया भी जा रहा है कि भाई जो है अपने घरों के अंदर रहो, और ये कोरोना जो है बड़ा खतरनाक है, ये किसी को भी दिक्कत कर सकता है, तो इनको समझाया भी जा रहा है, साथ में इनको मास्क भी दिए जा रहे हैं, और जो है इनके चालान भी काटे जा रहे हैं। आगे प्रक्रिया क्या रहेगी ताकि लोग पूर्ण रूप से घर आगे की प्रक्रिया यही है कि जो है लोगों को पूर्ण रूप से घर रहने के लिए आपके चैनल के माध्यम से अपील करते हैं कि अपने घरों में रहो। जरूरी कोई अगर मेडिकल सर्विस का कोई मेडिकल का काम है, कोई दवाई लेनी है, तो बाहर निकलो, या जो है अपना जो टाइम टेबल सरकार ने निर्धारित किया उसके हिसाब से आप बाहर निकलो। बिना वजह जो बाहर निकलेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी, चालान काटे जाएंगे और रोज काटे जाएंगे। अभी आपने सुना कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं जो तहसीलदार विजय सयाल जी, उन्होंने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और यह कार्रवाई इस तरह जारी रहेगी जब तक लोग अपनी आवाजाही से नहीं बाज आते। मैं आपको अभी भी दिखाता हूं कि देखिए, पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं, पुलिस कर्मी हैं, वो चालान काट रहे हैं और फिर भी लोगों का आना जाना जारी है। हरियाणा न्यूज के लिए रतिया से अशोक ग्रोवर।